बैक टू माई चैनल। हम अक्सर जो घर में कुकर यूज करते हैं तो कई बार वो जब नए होते तब तक उनकी चमक बनी रहती है, जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं वो काले पड़ने लगते हैं या दाग धब्बे उनमें लग जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ये कुकर कितना ये खराब हो चुका है, मतलब काफ़ी इसमें दाग हैं। तो हम इसको अभी, मेरा बिल्कुल नया कुकर है, ऐसे ये साफ ना करने की वजह से ये अंदर से कितना गंदा हो चुका है और नीचे से भी ये देखिए आप कितना खराब है, और इसका ये ढक्कन भी है जो है ये इसमें काफ़ी मैल जमी हुई है, और जो इसकी जो मिसल है वो भी काफ़ी खराब हो चुकी है, मतलब इसकी मैल जमी। तो हम इसको घर में बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए ये इस प्रकार है। ये देखिए एक मेरे पास है, हम पहले पानी लेंगे, उसके अलावा मीठा सोडा, सिरका, सिरका ना हो तो आप नींबू डाल सकते हैं, नींबू ना हो तो आप सिरका डाल सकते हैं, और इसके अलावा डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ करते हैं घर में वो डाल सकते हैं, ना हो तो ये वाली जेल होती है विम वो यूज़ कर सकते हैं, और नमक ऑर्डिनरी नमक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन कर दिया मैंने, और इसमें हम लगभग 3 गिलास के करीब पानी डालेंगे। मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया इसमें, और ये मेरे पास ये वॉशिंग पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें, वो ये नमक है ये भी डाल देता हूँ। ये मीठा सोडा जो हम घर में हम यूज करते हैं खाने में वो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें, डाल दिया हम, और इसको उबलने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें या तो आप नींबू डाल सकते हैं या सिरका डाल सकते हैं, तो मैं इसमें सिरका डालूंगी। 1 बड़ा चम्मच मैंने सिरका डाल दिया, अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू डाल सकते हैं, और मैं थोड़ा सा नींबू भी डालूंगी और नींबू का छिलक भी इसमें डाल देती हूँ, ताकि नींबू ऐसा है कि ये हमारी सारी मैल जो इसकी होगी सारी निकाल फेंकेगा। इसमें डाल दिया, और ये जो मेरे पास विसल है इनकी वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ उबलने के लिए। हम इसको उबाल लेते हैं, अभी 5 मिनट हो गए, हम इसमें उबाल आ गया। अब उबाल ऊपर तक आना चाहिए ताकि जो इधर मैल जमी हुई है इससे उतर जाए इस मिश्रण से जो हम पानी का। अब गैस को धीमी कर देंगे, इसको लगभग हम 5 मिनट तक उबलने देंगे धीमी आंच पे, इसको ये ऐसे ढक्कन रख के उबलने देंगे ताकि जितनी मैल है वो अपने ऑटोमेटिकली इसमें निकल जाए। तो हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं और देखेंगे गिरे ना ये, तो बस इसको उबलने देते हैं, मीडियम आंच कर देते हैं बस। 5 मिनट हो गए, मैंने इसको काफ़ी देर तक हद तक उबाल लिया, ऊपर तक ये इसलिए आ जाता है गिरने लगता है ताकि इसमें हमने डिटर्जेंट पाउडर डाला है वॉशिंग पाउडर, तो उसमें जो झाग बनती है छोटा होता है तो बाहर की तरफ गिरेगा, इसलिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा इसके साथ ताकि ये बाहर गिरे ना हमारा। ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया, इसकी मैल भी उतरनी शुरू हो गई, हम इसको बंद कर देते हैं। और क्या करते हैं, ले सकते हैं ऐसे परात वगैरह या ऐसे टब वगैरह जो भी हो, तो उसमें ये वाला आप ये ढक्कन रख दें इसमें, ये हमारी विसल है, ये भी हम देख इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं कुकर को भी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी जब हम इसको इसके स्टील वूल से इसको साफ करेंगे तो आप देख रहे हैं एकदम चमक जाएगा, तो अभी इसको ज़रा ठंडा होने देते हैं फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये पानी जो हमने सोडा और सिरका और नमक ये सब चीज़ें डाल के डिटर्जेंट पाउडर डाल के बनाया था और उबाल लिया 5 से 7 मिनट, वो ठंडा हो गया, तो ढक्कन आप देख सकते हैं अभी से इतना फ़र्क भी लग रहा है इसमें। तो अब ये कुकर में हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, ये स्टील वूल लेके कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे इसको अच्छी तरह से रगड़ के आप देखते हैं, देख सकते हैं इसकी मैल कैसे उतरने लगी है। और ये जो हमारे पास नींबू है वो भी इसको इसके साथ हम इसको रगड़ते हैं, ये नींबू सारी मैल इससे खींच लेगा।
अब हम इसको खुले पानी में धो के आपको दिखाते हैं। मैंने बीच में से इसको बिल्कुल स्टील वुल से साफ कर लिया। अब अभी हम इसको बाहर से भी साफ कर लेते हैं और नीचे से भी इसको साफ कर लेते। ये आसानी से साफ हो जाता है। आप ऐसे स्टील की कढ़ाई वगैरह भी साफ कर सकते हैं, चूल्हे भी साफ कर सकते हैं अल्मोनियम की। ये आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया, पहले कितना गंदा था अब कितना साफ हो गया। इसी प्रकार में ढक्कन के ढक्कन में कितनी मैल है इधर ये आसपास, तो हमें क्या करेंगे इसको रगड़ के अच्छी तरह से इसको हमने 5 मिनट इसमें पानी में डुबो के रखा हुआ है। और ये जो हमारी विसल है ये भी देखिए कितनी साफ हो गई है। अब इनको भी हम साफ पानी में धो लेते हैं। ये विसल धो ली हमने, बिल्कुल नई की तरह हो गई है। बड़े मेरे ढक्कन भी बिल्कुल साफ हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ सकते हैं पहले से अब कितना फर्क हो गया। पहले कितना गंदा कुकर था और ढक्कन भी और विसल भी आप देख सकते हैं कितनी साफ हो गई है। इस प्रकार ये आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका कुकर हमेशा साफ चमकता हुआ रहेगा। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ज़्यादा नहीं, घर में सब चीज़ें मिल जाती हैं। सोडा घर में होता है, सिरका नींबू सब कुछ घर में होता है, नमक होता है, डिटर्जेंट पाउडर होता है घर में। बस उसको 5 से 7 में जो उबालिएगा और साफ कीजिएगा अपने बर्तनों को, कढ़ाइयाँ जो काली होगी उनको भी साफ कीजिएगा। और ऐसे ही करिए, अगर आपको ये मेरी टिप पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात बताना चाहूँगी, जो ये बच गया हमारे पास इसको फेंके ना, या तो आप ये टॉयलेट सीट में इसको डाल के टॉयलेट सीट साफ कर लें, या गैस साफ कर लें, या टाइलें साफ कर लें, किसी भी यूज में ला सकती है। ये बेकार नहीं है, बहुत अच्छा पानी है ये वाला। अब मैं इसको टॉयलेट सीट में डालूंगी और साफ करूंगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।